Good evening, namaskar. Thank you for joining in for another exciting episode of Cargo.in presents Saturday Stardom. मैं सुजय गुप्ता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। Last week हम लोग मिले डेलना जिरानी से, जिनके साथ की हमने बहुत सारी मजेदार बातें। हमारी आज की गेस्ट थिएटर की एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने टीवी सीरियल्स में सबसे ज्यादा मदर इन लॉ के रोल्स किए हैं। जमाई राजा, शास्त्री सिस्टर्स, लव यू जिंदगी जैसे टीवी सीरियल्स करके इन्होंने हम सबके दिल जीत लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग द वेरी ह्यूमरस एंड डाउन टू अर्थ नीलू कोहली। लेट्स कनेक्ट विद हिम। नमस्कार नीलू कोहली, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है लॉकडाउन? अभी कौन सा लॉकडाउन, हमारे लिए तो लॉकडाउन खुल चुका, हमारी शूटिंग शुरू हो गई। अच्छा? Oh yes, we are back to normal, the new normal. Okay, so you are enjoying the lockdown, shooting वगैरह, production वगैरह में कोई दिक्कत आ रही हो कुछ? Yes, see every day is a new experience. जब पहले दिन गए थे, इस चीज को भी we started shooting on the 26th of last month, so it's nearly a month since we started shooting. तो अब वो थोड़ा सा डर निकल गया है, लेकिन पहले दो दिन तो बहुत डर लगा था। और एक बार दिल भी किया था कि अपना सामान उठाओ, गाड़ी में डालो और बोलो भैया हमसे ना हो पाएगा, लेकिन फिर जब वहां के क्रू को के साथ बातें हुई और अपने को एक्टर्स के साथ बातें हुई, तो समझ में आया कि कितना जरूरी है वापस काम पे आना, कि जो क्रू है वो कास्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कास्ट नहीं मानेगी आने के लिए तो क्रू इज गोइंग टू सिट एट होम। एंड इट्स यू नो वी आर ऑल सो इंटरकनेक्टेड, एब्सोल्युटली, इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट ईच वन ऑफ अस यू नो मेक्स दैट देयर लिटिल यू नो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मेकिंग द इंडस्ट्री अ बेटर प्लेस टू सर्वाइव इन, especially in these times jab everything is so trying, everything is so uncertain. So jab ye sab dekha na to dheere dheere I conquered my fear and I said no, let's all just go and do it. Or I also started enjoying the entire affair of you know fighting your fears every day and reaching out reaching shoot. So it was mere liye bhi ek you know usko kehte hai ek achievement thi personally. When you conquer your fears and you go out there and when you have 10 people calling you every day and saying क्या कर रही है, क्यों जा रही है शूट पे, घर बैठ जा, and there you are creating what you love doing best. Yes. So it was a very very big sense of achievement for me. Very nice. It was like going back for the first time on the set. Oh, तो ये आपके फैमिली में जो ये पीछे से लोग बोल रहे थे ना क्या कर रही है घर पे रह, अभी लॉकडाउन में फैमिली में यू आर इन मुंबई राइट नाउ, अभी लॉकडाउन में इस घर में अभी कौन कौन है? और एक क्वेश्चन ये है कि किसके जिम्मे कौन कौन सा काम आया था? मैं बताती हूँ, मेरा बेटा मारेगा मुझे, माय हस्बैंड इज देयर, माय सन इज देयर एंड माय डॉटर इन लॉ इज देयर। अच्छा, फैमिली पूरी है। ओके, तो बिटवीन माय डॉटर इन लॉ एंड माय सेल्फ वी टेकन ओवर कुकिंग एंड क्लीनिंग। Achha. And my son does the jhadu pocha. Okay. Yes. And my husband, वो बेचारे अपनी चाय बना ले, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वो सुबह और शाम की अपनी चाय बना लेते हैं। अरे वाह। तो हमें लगता है कि हम बस हमारे लिए तो बाप ने कितना काम कर दिया उन्होंने। So ऐसे हमने आपस में काम डिवाइड किया हुआ था, डस्टिंग एक दिन करते हैं, दूसरे दिन पंखे साफ करते हैं, तीसरे दिन कपड़े धोते हैं। सो वी हैड काइंड ऑफ यू नो ऑर्गेनाइज आवरसेल्फ इन दिस वे दैट बिकॉज़ शुरू में तो वी थॉट कि बस अभी तो 15 दिन में खुल जाएगा,
तो चलो टाइम निकाल लेते हैं. बट जब when we realized the seriousness of the situation, we thought ki sabse pehle you know you have to organize things in your head because there's this panic mode. ki kya hoga, kaise hoga, kitne din aur aise rahega, hame to nahi hoga, hamare you know hamare janne wale, hamare close logon ko to nahi hoga. That fear, you know, ki nahi bahar mat jao, ye mat karo, wo mat karo, you know, there's so much going on in your head. True, true. And plus the sorry to say the news channel which thought matlab wo dekh ke to mujhe lag raha tha ki bas hua hi samjho mujhe bas confirm hai case hamara ab to confirm bas mujhe hua hi samjho so and that fear was so much in and you know societies mein aake wo log announce kar rahe the police people and all so it all kind of you know was playing on my psyche mujhe lag raha tha ki इट कांट बी रियल मैं अभी नींद मेरी खुलेगी और सब कुछ सही हो जाएगा तो शुरू में जैसे सब में डिनायल था कि नहीं नहीं ये तो सच है ही नहीं ये तो हो ही नहीं रहा है एंड देन धीरे धीरे डिनायल से एक एक्सेप्टेंस होता है तो एक्सेप्टेंस के बाद रीऑर्गेनाइजेशन होता है रीऑर्गेनाइजेशन के साथ एक आप स्ट्रेटेजी बना के प्लान करके चलते हैं कि you know, पता नहीं और कब तक चलेगा और इस दौरान जब हम sort of settle हो गए थे उसमें फिर ये एक unsettling सा कि शूटिंग शुरू हो गई मुझे लगा नहीं 15 जुलाई से पहले तो शुरू होंगी नहीं लेकिन जब 25 जून को they said कि नहीं from tomorrow everything is going to start तो एक बार डर भी लगा था कि I think it's too soon. Yeah, oh, yeah, it's too soon. Yes, yes. Too soon. कैसे होगा? हालांकि you know हमारे producers ने, broadcasters ने, since I'm a Sintia committee member, हमारी जो Cine and TV Artists Association जो है, तो we were kind of you know in the meeting with different the channels, the producers, everybody. तो एक heartening सा तो लगा कि हाँ कर लेंगे. लेकिन knowing what TV is all about, you know, TV is the, sorry to say, that is where I get my bread and butter, but वो काफी disorganized होते हैं, वो इसलिए, क्योंकि they always have, you know, stuff to complete in very little time. Right. तो मुझे नहीं लगा था कि TV कर पाएगा. ये जितने भी norms हैं, उनको follow करना बहुत मुश्किल था. You know, अब एक आप sanitization booth set up कर रहे हैं, अब एक doctor on call होगा, तो उसके assistants हैं, जो आपका temperature, आपका oxygen से आपका सब लेते हैं, and then your room is sanitized and it's fumigated with that. They have some, I don't know, that's some machine they have. You're wearing mask. The staff is in PPE kits with masks, with shields. On set, it's sanitized 3 times. The food which we get now is vacuum packed. Okay. And so I never thought that we could do this. We could. This is the new normal, or I think lockdown. This is the new. ये सब सिखा दिया है. Lockdown ने एक और बहुत सबको मतलब at least मैं कहूँगा. भारत के मर्दों को तो ये बहुत अच्छे से सिखा दिया कि झाड़ू और पोछा कैसे लगाते हैं जैसे आपने आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है और मेरे को बोलेगा कि भाई आप ये भी बोल पड़े हैं तो आई थिंक उसको भी कभी एक्सपेक्ट नहीं हुआ कि मैं भी लगा रहा हूँगा एंड आई थिंक इंडिया के हर स्कूल में बंदों ने ही लगाए हैं सारी झाड़ू पोछे एंड यू नो आई वॉज लिटिल हेजिटेंट इन आस्किंग माय सन टू डू इट ही इज अ शिपी एक्चुअली Okay. This is Mama. I started my career doing this. I was doing it on the ship. Why can't I do it in my own home? Exactly. It's like he's the one who made me comfortable with the idea that I will do it. And there are times when he helps even with the utensils. Okay. Nice. Yes. तो अच्छा सीख लिया सबने ये तो मतलब सारे लड़कों ने और आदमियों ने तो बहुत अच्छे से सीख लिया कि भाई डेली चाय पीने से काम नहीं चलेगा काम करवाना पड़ेगा इस बार लॉकडाउन में मोदी जी ने करवा दिया सबसे ये काम Yes and I'm so glad और ये लॉकडाउन के बाद आपने ना अभी अभी पीछे बोला था जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले भी किया कि
लॉकडाउन के बाद रीस्टार्ट करने में मतलब जो मुझे ऐसा एक फील आया कि मैं दोबारा से डेब्यू कर रही हूँ. इट हैज एवरीथिंग इज स्टार्टेड रिन्यू. इज इट समथिंग टू डू विद द न्यू नॉर्मल? और मतलब आई थिंक सब कुछ ही चेंज हो गया है. जैसे आपने मेंशन किया सैनिटाइजेशन नॉर्म्स बदल गए हैं. यू आर सच अ सीनियर मेंबर ऑफ द टीवी फ्रेटर्निटी ऑल्सो. तो आई एम श्योर क्या बाकी चैनल्स और जो बाकी प्रोडक्शन हाउस हैं क्या वो सब लोग नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं? See, I can only talk of optimistics with, जिसके साथ मैं भी काम कर रही हूँ. तो you know they are doing a very very good job, I have to say. But मैंने कुछ videos देखे हैं, जैसे राजन साई के यहाँ का video देखा, बालाजी का एक आध video देखा. तो I think everybody is doing a damn good job about it. हमें set पे काढ़ा दिया जाता है, हमारी चेयर्स पे हमारे नाम लिखे होते हैं. Nobody else sits on those chairs. So each one is assigned a chair and you know you carry your own chair. Of course हम अपना मैं अपना boy तो लेके जा नहीं रही हूँ because they're not allowed. Plus तो you know मुझे ये जो मोदी जी का आत्मनिर्भर है निर्भरता की जो ये गुहार है ना, ये सबसे पहले हमने इसे झेला है और अब अच्छी तरह से इसे पूरा कर रहे हैं. I never thought I could survive without my boy, without my staff. Yes. I'm doing it. Wow. And I'm doing a good job. सही है, बहुत बढ़िया. That is actually good learning also. और आप It's very good learning. आपने अभी बताया कि मैं कुछ lectures भी कर रही थी during the lockdown and our audiences, the people who are now joining in to watch you, they are also very eager to know ये कौन से lectures थे, what were you teaching? क्योंकि आपका मतलब एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि if you were not an actress, you would be a teacher or a principal. तो ये educationist बनने का मतलब या क्या ये मौका था या मतलब what was this about? नहीं, this was actually about the role which I'm doing on my TV show right now. It's called Tera Kya Hoga Alia on on Sub TV, and I'm playing a principal in that for the first time. नहीं तो मैंने तो हमेशा वो सासू माँ और माँ वाले ही रोल किए हैं. तो ये मेरे लिए एक नॉवेलिटी थी. और दूसरा ये कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ एजुकेशनिस्ट. एक्चुअली मेरे घर में जितने भी मेरे फादर के साइड से हैं, दे आर ऑल इनटू एजुकेशन. आइदर दे आर डीन्स ऑफ द स्कूल्स और दे आर लिंग्विस्ट्स और दे आर व्हाटएवर. आई मीन राइट फ्रॉम माय अंकल्स हु आर इन लंदन टू माय uncles who are all over, they're all into teaching life, including my mother, who's mom is also an educationist. He just retired last year. Oh, acha, okay. So, कहीं ना कहीं वो आपके खून में होता है ना? Yes. हाँ, सही होता है. सच में, मेरे तो खून में है सच्ची. You know, ये like my son tells me, mama, ये आपकी don't वाली उंगली ना हमेशा ऐसी ही रहती है. Don't. So, I said, probably I've just taken it from my mother, who would always go, don't do this, don't do that, don't do this. And those eyes, no, the eyes that watch. Oh, yes. वो आँखों में वो उंगली से ज़्यादा वो आँखें होती हैं. That अच्छा. True. अरे. So true. आपने अपना जो मूवी का डेब्यू किया था वो एक वो थी मूवी अजय देवगन जी और महिमा चौधरी जी के साथ. क्या करे? हालांकि आई वाज वेरी न्यू एट दैट टाइम. एंड मैंने एक एड की थी विद मिस्टर प्रियदर्शन. लेकिन आई ऑलवेज न्यू कि ये रोल है मेरे लिए. तब भी वो बहुत बड़ी बात थी कि मेरे सीन महिमा के साथ भी हैं और काजोल के साथ भी हैं. बाद में गाना वाना भी था, वो सब कट गया वो फोटो. बट you know, I was so overawed by the entire experience. Mm-hmm. You know, I was so overwhelmed ki yes. film ka canvas kitna bada hota hai. Kya us time to kya, you know, things were a lot different. Mm-hmm. You know, we as actors were treated with a lot of respect.
Yes. अब तो you know things are not the same. Okay. Yes. How? Lot of competition. Okay. So somebody who's not as senior as me will also get a job because she's he or she's probably getting paid 1/4 the amount. Oh. And because budgets are a huge restraint in this industry, BB people are out of jobs. नहीं ऐसा नहीं है. The kind of space that you make in people's hearts ना वो irreplaceable हो जाती है. वो I know what you're saying and what I'm trying to get at is कि it's nobody's fault. I mean I'm not saying कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है. It's just that मैं भी एक time पे नहीं थी, मैंने भी. But you have to learn to live with it. You have to learn to adjust yourself in this situation. Hmm. And it's like finding a middle path. Yes. And kind of, you know, growing with this. It's like this huge, you know, ये आपके लिए भी एक arena है जहाँ survival of the fittest है. Absolutely, absolutely. I agree. तो मेरे लिए भी एक learning experience है. और मैं रोज इन चीजों से सीखती हूँ और इस चीज को रिजेंट नहीं करती. वाओ, दैट्स द बेस्ट पार्ट. दैट्स अ वे ऑफ लुकिंग एट ग्रोथ, आई वुड से. एब्सोल्युटली. और जब से मैंने इस चीज को, एक टाइम था, यू नो, मेरे लिए भी एक पर्सनल ग्रोथ है. एक टाइम था जब मैं इस चीज से फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इस चीज को रिजेंट कर रही थी. और वो 1.5 साल मेरी जिंदगी में ऐसा था जब मैंने काम नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं नहीं ऑडिशन दूंगी, मैं नहीं ये करूंगी, क्या यार इतने साल काम करने के बाद ये मुझे कहते हैं ऑडिशन देने आओ. एंड बिलीव मी, वो 1.5 साल मैं घर पे बैठी हूँ क्योंकि मेरा एटीट्यूड था, मैंने टाइम के साथ चलना नहीं सीखा था. राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड. तो फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स जो चैनल में बैठे हैं, उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि नीलू तुम आजकल काम क्यों नहीं कर रही हो. सो आई वॉज लाइक I can't do this, यार. I mean, इतना काम करने के बाद वो कहते हैं कि ऑडिशन करो, ये करो, वो करो. So she told me, she gave me a very, she says, Neelu, you know, already we have started telling people, get us somebody like Neelu Kur. Wow. एक टाइम आएगा जब लोग आपको भूल जाएंगे. That thing, कई बार एक चीज होती है ना जो आपको हिट कर जाती है. Correct. उस सेंटेंस ने मुझे हिट कर दिया जब उसने मुझे कहा कि we've already started saying telling people get somebody like Neelu Kohli. मतलब आपका replacement ढूंढा जा रहा है. Yes, yes. तो जब आपका replacement, and मैं कोई ऐसी चीज तो unique चीज तो हूँ नहीं कि मेरा replacement मिल नहीं सकता. तो वो मेरे लिए it was a you know a bell ringing and telling me कि wake up, smell the coffee. Yes. भाई काम आपको करना है, जरूरत आपको है, आपके बिना काम चल सकता है. लेकिन मुझे एक धक्का जरूर लगा था, लेकिन वो मेरे लिए बहुत जरूरी था. ब्यूटिफुल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में. जो यूथ भी देख रहे हैं इस वक्त ये शो, आई थिंक ये अगर हर बंदा सोचने लगे ना कि भाई काम करने से ही आगे बढ़ सकते हैं. बिल्कुल. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर दैट. सॉरी, मतलब आजकल जो चल रहा है ना ये कि भाई हो अब क्या होगा, अरे भाई लॉकडाउन है, ये हो गया, वो हो गया. तो मतलब ये दिस इज द राइट एटीट्यूड एंड अप्रोच एवरीवन शुड हैव कि भाई काम नहीं करोगे ना तो और वर्स्ट ही होगा, और काम करोगे तो सब रिजॉल्वड है. बिल्कुल. और आप मानेंगे नहीं, थ्रू आउट लॉकडाउन मैंने 3 शॉर्ट फिल्म की है. मैंने एक एड किया है. Wow. मैंने yes, I was working throughout lockdown. बहुत शानदार, बहुत शानदार. कुछ फ्रेंड्स के लिए काम किया जिसके लिए पैसे नहीं मिले, that is okay. But मैं काम तो कर रही थी. मेरे मैं वही किसी से बात कर रही थी अपनी कि एक एक्टर के फेस पे जब मेकअप लगता है ना, वो वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती होता है. Right. क्योंकि वो एंडोर्स करता है इस फैक्ट को कि बॉस you're still in the race. Correct. So, mere liye, I think for an actor,
the best part is when you're on the field, you're working, you're creating something. I did four films, in fact, short films during lockdown and all. So I was kind of very contented. So it kind of didn't get to me ki ab kya hoga. Sahi. So aapse ek chota sa hamara round hota hai that we are going to start off with you. It is a one word, one line answer round. Are you ready? Yes. Okay. So let's start. What's your favorite cuisine? I like continental. Okay. Favorite holiday destination? I mean, not with Corona on, वैसे. Anywhere in the hills. Hills. Okay. One song that you hum while you are cooking. I know you are a fantastic cook. One song that you can hum any number of times while you are cooking. रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए जाना पड़ेगा नहीं 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 अरे प्लीज ये स्क्रीन फट जाएगा कोशिश भी मत करना मेरी आवाज सुनने की प्लीज सिर्फ वो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं जो इस चीज को लेकर ट्रेंड हो गए लाइक माय चिल्ड्रन व्हिच इज योर फेवरेट शो ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स At the moment, I'm watching something called Schitt's Creek, which I'm loving. Okay. Iske pehle, I was watching The 100. Mm-hmm. And I kind of lived with those people all through, you know. Okay. 7 seasons, pe, each episode of 12, not 12, but like each season of 12 or 14 episodes of 40 minutes each. Okay. And I think ek mahina laga mujhe... यहाँ तक अभी सारे एपिसोड्स 7 सीजन आई एक्चुअली लिव्ड विद देम वाओ डे एंड नाइट फैंटास्टिक सो प्लीज वॉच बिगेस्ट इंस्पिरेशन माय मदर आई नो इट साउंड्स क्लीशेड बट इट्स ट्रू ओके ट्रंक कॉल और रसबरी बोथ आई कांट चूज ओके But yes, looking at a wider viewership, yes, Raspberry. Raspberry. Okay. Tea or coffee? Both. Both. Okay. Yes. What on your phone as a wallpaper right now? It's my Guruji's. Wow. It just says blessings always, Guruji. It's his signature. Fantastic. Any favorite book if you love reading? Yes, I used to be a voracious reader, but now I've stopped reading because of a lot of things. But my favorite all-time book was Sybil. Oh, okay, very nice. So this was our one-word, one-line answer, very quick answers that we got. अब आपसे कुछ और सवाल पूछते हैं. एक बात बताइए, आप वैसे originally you are from Ranchi, and then you moved to Mumbai. ऐसी रांची मेरी शादी मुंबई में हुई ओके रांची की कोई ऐसी बचपन की मेमोरी जो हमेशा आपकी फेवरेट रही मेरा जो स्कूल से वापस आने का जो होता था ना जो वॉक फ्रॉम स्कूल टू होम वो मेरी फेवरेट हमेशा की रही है ओके अब मैं व्हेन आई गो इनटू दैट रिट्रोस्पेक्शन आई रियलाइज व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम इट वाज एक तो एक वो लिबरेशन की छुट्टी हो गई स्कूल से और दैट वॉक होम फ्रॉम स्कूल टू होम या समथिंग दैट आई विल नेवर फॉरगेट यस अच्छा एक क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स से आ रहा है आपकी योर डॉटर गॉट मैरिड लास्ट ईयर और आपने बहुत सारे मदर इन लॉ वाले रोल्स किए हैं एक इंटरव्यू में आपने बोला था आई वांट टू बी अ गुड मदर इन लॉ पिछला एक हेलो मैं कह रहा हूँ पिछला एक साल कैसा रहा एक्चुअली मदर इन लॉ तो मैं 4 साल पहले ही बन गई थी जब मेरी मेरे बेटे की शादी हुई थी तो ये क्वेश्चन तो एक्चुअली मेरी डॉटर इन लॉ से पूछा जाना चाहिए वेदर आई एम अ गुड मदर इन लॉ नॉट वो बताएगी असलियत मेरी उससे पूछना मत मम्मी आता था कि मम्मी आप टीवी में तो इतने सही लगते हो यहाँ पे क्यों नहीं
यू नो जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी उस वक्त हमारी मतलब मेरे बेटे की एंगेजमेंट हुई थी उस वक्त मेरा सीरियल चल रहा था शास्त्री सिस्टर्स और शास्त्री सिस्टर्स में मैं एक बहुत ही पोजेसिव मदर थी तो मुझे उस सीरियल का जिस्ट ये था कि ये मिडिल क्लास लड़कियां हैं और मैं एज यूजुअल हाई क्लास थी तो मुझे ये था कि लड़कियों की शादी करा दो लेकिन मेरे बेटों से अच्छा तो व्हेन दे फॉल इन लव विद माय सन्स टू डॉटर्स विद माय टू सन्स हेल ब्रेक्स लूज ऑल हेल ब्रेक्स लूज सो जब एंगेजमेंट हुई और मेरी जो समदन समदी है उनके घर जो उनकी मेड है उन्होंने जब देखा कि बोले इसकी बेटी के साथ आपकी एंगेजमेंट आपने अपनी बेटी की शादी कर दी ये बहुत बुरी है ये तो अपने बेटे को अपनी बेटी से मतलब बहू से मिलने नहीं देगी तोड़ दो इट वाज सच अ ह्यूज जोक इन आवर हाउस ठीक है मैं एक्चुअली आपसे पूछने वाला था क्या आप अपने सीरियल से फीडबैक लेती हैं मुझे लगता है आपके आसपास के लोग आपका फीडबैक जरूर लेते हैं सीरियल से अरे बहुत मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती आसपास के लोग मुझे पूरा फीडबैक देते अच्छा आपने यू've स्टार्टेड अ फ्यू सीरीज ऑन OTT एंड यू've डन फिल्म्स यू've डन अ लॉट ऑफ टीवी व्हिच इज योर फेवरेट प्लेटफॉर्म व्हाट आर यू मोर कंफर्टेबल विद एंड प्रोबब्ली व्हाट डू यू लुक फॉरवर्ड फॉर as a longer duration run honestly I love the OTT platform yeah yes I think this is the best thing that could have happened to actors because filmein kya hoti hain ek to 3 ghante ki duration ke liye hoti hain aur uska jo canvas hai wahan ka ek system alag hai wahan ke log matlab kya hota hai wahan mainly हम जैसे लोगों के रोल्स बहुत कट जाते हैं कैरेक्टर एक्टर्स के लेकिन OTT प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक एक्टर को पूरी सेटिस्फेक्शन मिलती है इन टर्म्स ऑफ यू नो देयर इज मोर मीट एंड यू नो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो लाइक अ फिल्म होती है जी सो इफ यू टॉक ऑफ क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन आई थिंक आई हैव एंजॉयड माय स्टिंट ऑन द OTT platform, then I'm really looking forward to more OTT. You know, working. Yes. तो इसी बात पे ये question है कि भाई आपके अभी upcoming projects क्या हैं? Upcoming actually क्या हुआ है? Because of this lockdown, because of this corona, yeah. A lot of my projects have got delayed. Yes. You know, I had also given up TV about 3 years back. मैंने सिर्फ अभी 26 episodes किए थे किसी On Sub TV और मैंने एक छोटा सा एक cameo किया था छोटी सी सरदारी का because I wanted a personal growth so I had started this theater I had started Broadway theater with Saregama and I was also doing OTT kas films but क्योंकि ये corona आ गया तो theater तो is just not possible till everything gets sorted right so because audience aayegi nahi to and same is the case with films two of my films were on release jo abhi stalled hain do filmon pe kaam chal raha hai patchwork jo ab pata nahi kab hoga so it's kind of very ambiguous at the moment I'm not taking up new OTT work which is happening because एक वो डर है कि यू नो आप यहाँ तो अपने यू नो पर्सनल स्पेस में काम कर लेते हैं पर जब आप OTT में करते हैं तो यू आर प्रॉब्ली को शूटिंग आउटसाइड तो इस माहौल में अभी थोड़े टाइम के लिए मैं वो भी नहीं ले रही हूँ तो अभी थोड़ा सा यू नो स्पेस और अभी देयर इज नो क्लैरिटी बेसिकली कि अभी कहाँ कितना काम आने वाला है अभी इन द सेंस की क्या रिलीज होने वाला है थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे आई वॉन्ट यू टू गिव अ मैसेज फॉर द यूथ हु इज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड जो अभी कंफ्यूज्ड है भाई आगे करना क्या है व्हाट इज द न्यू नॉर्मल आई वॉन्ट अ मैसेज फ्रॉम यू मुझे सबसे पहले तो यूथ को ये कहना है कि
पहले अपने आप पर काम कीजिए, क्योंकि अभी कुछ टाइम तक चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होंगी, तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप उन चीजों को झेल नहीं पाएंगे, और अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आपका अप्रोच डिफरेंट होगा. अनदर थिंग इज यू नो लुकिंग फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज जो कि पहले आपकी अरीना में आपके थॉट प्रोसेस में नहीं थी. थोड़े से अपने होराइजंस वाइडन कीजिए कि आप घर रहकर क्या कुछ कर सकते हैं. आई थिंक डिजिटल इज अ वेरी बिग मार्केट आउट देयर, एनीथिंग टू डू विद डिजिटल. दूसरा, ये ऑनलाइन जो अब सब कुछ शुरू हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस हर एक चीज के लिए, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप से, अपने घरों से काम करने के लिए. तो जो यूथ इस बारे में सोच नहीं रहा था, मुझे लगता है कि उन लोगों को इस बारे में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए. और ये जो टाइम आपके हाथ में है, एनी काइंड ऑफ नॉलेज यू नो इज गोइंग टू एड, इट्स लाइक अ फर्टिलाइजर टू अ प्लांट. नॉलेज नेवर गोज वेस्ट. तो पढ़िए, सीखिए. तो अगर और कुछ नहीं है तो किताबें पढ़िए. देयर इज सो मच टू लर्न. तो अगर और कुछ नहीं है तो सीखिए. वो कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएगा, आपके साथ जरूर बहुत लंबा जाएगा. बहुत ही अच्छा मैसेज था. थैंक यू सो मच नीलू कोहली फॉर ज्वाइनिंग विद आवर ऑडियंसेस. इतना मोटिवेट करने के लिए खूब मजा आया, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन की. गाइस, डू फॉलो हर पेज ऑन इंस्टाग्राम. एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा. गॉड ब्लेस यू ऑल. सो दिस वॉज नीलू कोहली, जिनके साथ की हमने बहुत सारी मजेदार बातें. आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, बट नेक्स्ट वीक में एक ऐसे सेलिब्रिटी को लेके आऊंगा जिनके साथ भी हम करेंगे बहुत सारी मजेदार बातें. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. Till next Saturday, I hope and I pray that you stay safe and protected. Till then, namaskar.